हरिओम, संत श्री आशाराम जी बापू, जोधपुर के समाचार 12 अगस्त 2024। आज 12 अगस्त 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की सुनवाई की तारीख थी। आश्रम के वकील ने कोर्ट को बापूजी के लंबे समय से कारावास में रहने और वर्तमान में स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति से अवगत करवाया और अपील शुरू करने की प्रार्थना की। आश्रम के वकील ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें हर एक बार अपील चलाने को कहता है, इसलिए हम अपील तुरंत शुरू करना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी संज्ञान में लिया कि अहमदाबाद के केस में 14 तारीख को SOS यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का फैसला आने वाला है और इमरजेंसी पैरोल का मुद्दा भी अभी विचाराधीन है। सभी चीजों के मद्देनजर कोर्ट ने अपील की अगली सुनवाई की तारीख 20 अगस्त को निर्धारित की है। कोर्ट में आज रामचंद्र भट्ट ने बापूजी के स्वास्थ्य की गंभीर हालत को देखते हुए इमरजेंसी पैरोल देने की प्रार्थना रखी थी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि उसमें एक पैरोल के नियम को चैलेंज किया गया है, इसलिए उस पर विचार करने में समय लग रहा है। कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि क्या कस्टडी और जाप्ता खर्च के साथ पूज्य श्री माधोबाग जाने को तैयार हैं? इस पर बापूजी की तरफ से हाँ बोला गया। कोर्ट ने इमरजेंसी पैरोल की फिर से सुनवाई के लिए कल 13 अगस्त 2024 की तारीख दी है। AAG यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कल 13 तारीख तक महाराष्ट्र और एम्स से आवश्यक रिपोर्ट्स मंगवाने को कहा।